क्या बात है। ये तुम दोनों के लिए है। मैं इसे स्पेशल ओकेजन के लिए बचा कर रखूंगा। बेट आ जाए बस। जॉर्ज तुम वहां हो? जॉर्ज बारबारा कोई है? बस खुद को संभालना संभालना। जॉर्ज बारबारा प्लीज अपना ख्याल रखना। भगवान करे वो ठीक हो। और बेथ का क्या? बेथ अपना ख्याल रखना। ईश्वर इनकी रक्षा करना। आमीन। ये बकवास है। अच्छी वाली कहाँ है? तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि तुम्हें सुस्त कर देगा, फिर तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारे लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है स्कॉट। खैर तुम वेरोनिका को जानते हो? वेरोनिका? कौन वेरोनिका? जिसकी टांगें बहुत लंबी है और जिसके काले घने बाल घुटनों से नीचे आते हैं वही वेरोनिका? कुछ कुछ वही। उसने तुम्हें दोबारा देखा क्या? हाँ, पर तुम मानोगे नहीं कि उसने मुझे कैसी नजर से देखा था। कातिल नजर से देखा था उसने। तुम यहाँ सभी को जानते हो, वो ऐसा सोचती है कि लोग उसे देखें। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं और अब ये दोहराना नहीं चाहता हूँ, समझे? तुम सच में मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो। वो वही लुक था, वही वाला लुक। तुमने कभी उस लड़की को देखा है जिससे तुम शादी करने वाले हो? मुझे वेरोनिका ही दिखती है हमेशा। बस कुछ दिन और देव, कुछ दिन और। थैंक्स। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये मेरी पहली डेट है। आखिरी भी हो सकता है? हो भी सकता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं। भले ही तुम स्पोर्ट्समैन हो, पर अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना है तो तुम्हें थोड़ा मच्योर होना पड़ेगा। ये कोई डिस्काउंट शॉप नहीं है जो सीधे आ गए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ बेस्ट वाइन मिलती है, तुम्हें अच्छा लगेगा।
मुझे लगता है कि वो वाइन फैक्ट्री तुम्हारे घर के पास ही होगी। एक्चुअली ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम फ्रांस है। तुम्हें अपना पासवर्ड याद है? मेरा नाम बेथ है। तो तुम आ रही हो ना बेथ? आज कैसा फील कर रहे हो स्कॉट? ज्यादा बुरा नहीं है स्कॉट? आज तुम कैसे हो? आई एम गुड थैंक्स ऐसा कहने के लिए स्कॉट। देखो बाहर आज कितना खूबसूरत दिन है, आज बाहर चलते हैं स्कॉट। बहुत मजा आएगा। तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए? हाँ मैं कुछ सोच रहा हूं। बीन्स। मुझे ये बकवास और बेहुदा बीन्स पसंद है। कमॉन एक बार फिर यहां बारिश की बहुत जरूरत है।
जॉर्ज तुम वहां हो? कम ऑन जॉर्ज, बारबारा तुम वहां हो? हेलो जॉर्ज, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सिग्नल्स खराब हैं, फिर भी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जॉर्ज, कल रात तुम कहाँ थे? हम पर शाम को अटैक हुआ, हमने अपनी पावर सप्लाई खो दी है। अरे तुम ठीक हो? हाँ, वो लंबी रात थी और हम उसके लिए तैयार थे। हमने कर दिखाया, मैंने पहली बार घर के बने विस्फोटक इस्तेमाल किया, वो काम भी कर गया। उसने उन हैवानों को हर जगह फैला दिया। और बारबारा वो ठीक है? बारबारा? हाँ बारबारा वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो कल रात घायल हो गई थी पर अभी ठीक है, आराम कर रही है। ओह, क्या उसे काटा गया है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं काटा, वो उसे नहीं पकड़ सके। कल रात तुम दोनों के लिए प्रेयर की थी। हमारे लिए प्रेयर? शिट स्कॉट, क्या तुम्हें नहीं पता इसमें प्रेयर से कुछ नहीं होता है? मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ जॉर्ज, तुम वहां हो, मैं यहाँ हूँ। और बेथ कहाँ है वो? शिट, मुझे नहीं पता, पर मेरा भगवान पर से भरोसा उठ चुका है। अगर भगवान थे भी तो लगता है काफी दिन पहले वो मर चुके हैं। हम हर मुश्किल घड़ी में उनको याद करते हैं। क्या कभी मैंने तुमसे सबसे बुरी बात बताई है जो मैंने देखा है? यहाँ भगवान के दूत भी उन हैवानों के सामने हार जाते हैं। वो लोग क्रॉस का साइन लेकर के खुद को उनके सामने परोस रहे हैं। कटे हुए शरीर और मांस के टुकड़े तो उन हैवानों का नाश्ता है। तुम इस सबसे कैसे निपटोगे? यहां पानी की जगह खून बह रहा है। आराम से जॉर्ज, मैं इतनी जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे नहीं पता था मैं यहां का पानी नहीं पी पाऊंगा, मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा। हाँ तुम्हें अब बारिश के पानी से काम चलाना होगा। अगर तुम यहां बारिश के पानी को गर्म करने की सोचोगे तो तुम्हें इंग्लैंड की गर्मियां याद आ जाएंगी। मुझे पता भी नहीं बारिश होगी या नहीं। हमारे पास ही एक नदी है, एकदम शुद्ध और बढ़िया, पर मैंने देखा उसमें लाशें तैर रही थी। हाँ यहाँ भी ऐसा ही है, मुझे ऐसा फ्री का पानी पसंद नहीं, मैंने ऐसे ही बीमारियों को फैलते हुए देखा है। ज्यादा से ज्यादा दारू पीते हैं और डीप फ्राइड चिकन ऑर्डर करके बारबेक्यू सॉस के साथ दबाकर खाते हैं। शानदार खाना। वो क्या था? कुछ नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे लग रहा है कि बारबारा के जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त हो गया है। हाँ मुझे भी चलना होगा, थोड़ी बिजली बचाता हूँ। अपना ख्याल रखना स्कॉट, सुरक्षित रहना। तुम भी। शादी कर लेते हैं। अभी? हाँ अभी शादी करते हैं। बकवास। मैं सीरियस हूँ, शादी कर लो। मैं भी सीरियस हूँ, बकवास मत करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम अलग रहें। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? इसका मतलब हाँ है? अगर तुम सीरियस हो तो मेरे लिए अंगूठी लाओ। ओके, अगर मैं रिंग लाऊंगा तभी तुम हाँ बोलोगी। पहले रिंग।
बेथ, क्या तुम मुझे यह सम्मान दोगी? क्या बकवास है, मैं क्या कर रहा हूं? बेथ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? बेथ, ये प्यार कैसे होता है? Hey, dude! अरे देव, नौ क्या करो भाई? न्यूज़ देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी, क्यों? धरती पलटने वाली है। ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस शहर में सब पागल हो रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को खाने पे तुला हुआ, सबके सब वैशी हो गए हैं, वैशी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मेरा विश्वास करो, आज मैंने दारू भी नहीं पी है। क्या बकवास है?
जॉर्ज बारबारा तुम लोग हो वहां? हे स्कॉट। जॉर्ज तुम ठीक हो? क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं, बस बारबारा थी, बस मौसम की वजह से थोड़ी परेशान है। उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है ना? हाँ, मेरे पास स्टॉक में है। मुझे लगता है उसके पेट में कुछ खराबी है, वैसे कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। चलो अच्छा है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा दिन कैसा रहा? ऑफिस की तरह ही तनाव भरा? हाँ कुछ कुछ वैसा ही रहा। आज का दिन काफी लंबा लग रहा है, दूसरे दिनों से ज्यादा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो ना। तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या करोगे अगर बेथ वापस नहीं आए? नहीं। बस नहीं कहने से हो जाएगा? देखो जब तक बेथ वापस ना आए मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। पर तुम्हारी जिंदगी खतरे में है स्कॉट, तुम ये कैसे करोगे? मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तुम सबको वापस लाऊंगा। ये रेडियो भी तुम्हारे दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए साथ देगा। तुम लोग यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें हमारे पास आना होगा, हमें तो अब सजा मिल ही गई है। नहीं थैंक्स जॉर्ज, पर देखना जल्दी बेथ वापस आ जाएगी। तुम्हें पता है मैं सही सोच रहा हूँ, मैं यहीं रुकूंगा और सबको बचा लूंगा। बचना और बचाना जीने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है स्कॉट। लेकिन सबसे जरूरी होता है, और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां बचने की कोशिश कर रहा हूं। वो कैसे? बस यहां से जल्दी निकलना है। स्कॉट ध्यान से। जब मैं शॉपिंग सेंटर जा रहा था उस समय लग रहा था कि पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, एकदम नरक लग रहा था सब। जब कर्फ्यू लगता है तो लोगों को अपने घर में रहने को कहा जाता है, इसे संभालने के लिए दुनिया पागल हो जाएगी। कर्फ्यू वो काफी साल पहले लगा था, तुम्हारे बैंक की मामूली छुट्टी की तरह नहीं है। यहाँ सच में महामारी फैल गई है, ये कोई दैविक आपदा जैसी है। ऐसा लग रहा था कि लोग जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ मैंने भी एक बार देखा है। क्या देखा? काफी दिन पहले ऐसा मेरे साथ हुआ था, तुम्हें पता है? जब तक हम महसूस करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, लोगों की भीड़ हमें दबाकर कुचल कर चली जाएगी। ऐसा ट्रेन के स्टेशनों पर होता है, वहां ऐसा लगता है कि लोग आपको कुचल कर मारकर आगे निकल जाएंगे, पर मैं बच गया। उन लोगों ने गेट बंद कर लिया, किसी और को अंदर आने नहीं दिया। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को देख रहा था जो दूसरी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। अभी मैं देख सकता हूं लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले भाव थे,
इसी को शायद कयामत कहते हैं। तब मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि आगे क्या होने वाला है। वो लोग तो जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे किसी भी वक्त। मौत उनको गले लगा सकती थी। स्कॉट सुनो, सबके पास अपनी कहानी है। सबने कभी ऐसा कुछ देखा है। हमें लाइफ एक बार मिलती है, पर उसे खोने का खतरा हर दिन होता है। जिंदगी एक बार खत्म तो कभी वापस नहीं आएगी। तुम सच में ऐसा सोचते हो कि सब खत्म हो गया? हो सकता है कि इंसानों ने कभी ऐसी आपदा नहीं देखी है, पर अब ऐसा हो रहा है। अच्छा, तुम्हें यही लगता है ना कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी? तो कम से कम तुम्हारे पास बार बार की उम्मीद है। जीने के लिए किसी का साथ जरूरी होता है ना, है ना जॉर्ज? जॉर्ज, तुम्हें पता है स्कॉट, मेरी और बारबारा की शादी को 22 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता था जॉर्ज। वहां सब ठीक है ना? बारबारा बिल्कुल ठीक है ना? कल रात जब हम पर अटैक हुआ, मुझे लगा कि हम ठीक हैं, पर सिर्फ मैं ही ठीक था। उन कमीनों में से किसी ने उसे काट लिया था। बस एक छोटी सी चोट थी, कुछ ज्यादा नहीं था। प्लास्टर भी नहीं चढ़ा था, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पर वो ठीक नहीं है। ओ, फिर तो तुम्हें उसे मार दो। जॉर्ज, तुम्हें यह करना होगा। बेहोश है, मैंने उसमें चेंज होते हुए देखा है। जॉर्ज, वो बदल जाएगी, चाहे धीरे धीरे ही सही, पर वो बदल जाएगी। मुझे पता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या है। कुछ गलत हुआ तो मैं उसे लॉक करके रखूंगा, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। जॉर्ज, तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या होगा? अगर उसकी जगह बेत होती तो तुम क्या करते? देखो, मुझे पता है कि उस वक्त क्या करना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोलना आसान होता है, पर करना मुश्किल। सुनो, अब मैं जा रहा हूं। जॉर्ज, वो बद से बदतर होती जाएगी। देर मत करो, तुम उसके अच्छे के लिए ही ऐसा कर रहे हो। जॉर्ज, जॉर्ज, नहीं। ये बहुत खूबसूरत है। मैं तो रिंग ले आया, अब शादी करें? मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है कोई जवाब नहीं होता। बेथ, तुम मुझसे शादी करोगी? हो सकता है। अगर मैंने फिर से पूछा तो मैं तीसरी बार लकी हो जाऊंगा। क्या कहती हो? तुमने न्यूज देखी? लंदन में ये सब क्या हो रहा है? हम अभी लंदन में नहीं हैं, हम वहां से बहुत दूर हैं और यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो सब मीडिया की बकवास है बस। हम यहाँ अपनी पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स लंदन में हैं। मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती अपने फ्यूचर का, मतलब अभी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ स्कॉट, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम बताओ, आखिर कौन सा समय सही होगा? अगली बार मैं हां में ही जवाब चाहता हूं।
स्कॉट, दोस्त तुम वहां हो? दोस्त तुम कहां हो? हाँ मैं यहीं हूँ जॉर्ज, और कहाँ जाऊंगा? वो बदल गई स्कॉट, वो उनमें से हो गई है। जॉर्ज आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जॉर्ज तुमने ठीक किया, कभी मत भूलना जिसको तुमने मारा है वो बारबारा नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, उन 22 सालों को याद करते हुए ये बहुत मुश्किल था। आज सब खत्म होने वाला था, हम दोनों अलग होने वाले थे कि इतने सालों में कभी अलग नहीं हुए थे। मैंने उसके सिर पर गन रखी थी, मैं बस ट्रिगर दबाने वाला था कि पर मैं वो नहीं कर सका। मैं ट्रिगर नहीं दबा सका स्कॉट, मैं उस हैवान की आंखों में उसकी आंखें देख सकता हूं। मुझे पता है उसके ऊपर सिर्फ हैवान की खाल है बस। अरे तुमने ये क्या किया? इस बार हम आखिरी दफा बात कर रहे हैं। प्लीज बोल दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है। प्लीज मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले कुछ घंटों में मैं उसके साथ होऊंगा। किसे पता था कि ये इतना बुरा भी हो सकता है। अगर तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर आना शिफ्ट कर अगर तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर शिफ्ट होना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, साफ पानी, खाने से भरा टिन, बुलेट्स, आग के गोले, सब। तुम्हें सुनकर अच्छा लगा होगा स्कॉट। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय जॉर्ज। ओह हाँ स्कॉट। हाँ जॉर्ज, अगर तुम मुझे फिर मिले तो मुझ पर गोली चला देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम गोलियां गिन सकते हो जॉर्ज। गुड बाय मेरे दोस्त। स्कॉट ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैं हूं स्कॉट मिलर, क्या वहां कोई है? जिस मेस में आप हो वो कहां है? क्वारंटीन में? हाँ मैंने सुना है, मैं वहां आने वाली थी पर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मॉम, मॉम, सिग्नल्स डेड। क्यों क्या हुआ? आर्मी वाले चार्ज ले रहे हैं पूरे लंदन में पर मॉम डैड ठीक हैं। देखो वो सब सिक्योरिटी के तहत हो रहा है, मैं श्योर हूं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे आर्मी और पुलिस सही तरह से हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं खुद फ्रांस में मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ है। ये तो बदतर होता जा रहा है। देखो जो कुछ भी हो रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो? मुझे पता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, पर कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है, और आज वैसा ही एक दिन है। आज मैं बात करूंगा। बात है मेरे मरहूम दोस्त के बारे में। जब मैं उसे देखा भी नहीं था तब से हम लोग दोस्त थे। आजकल सोशल मीडिया की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आपके दोस्त के साथ आप बात कर सकते हैं आसानी से। वो भी मुझे ऐसे ही मिला था जिससे मैं अपना सुख दुख बांटा करता था, लेकिन ये सारा मामला वर्चुअल था, सच्चाई नहीं, और मैं इस सब का कभी हिस्सा नहीं था। पर अब मैं जॉर्ज से मिलने जा रहा था। जल्दी ही हमारी मुलाकात होने वाली थी। कुछ दिन चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, पर हो सकता है वो टोक्यो में हो। मतलब उस नर्क के दरवाजे पर जाने के लिए कौन इतने दिन पैदल चलेगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जॉर्ज दिखता कैसा है। हो सकता है उसे भी हैवान समझकर मैं गोली मार दूं और वो मुझे पहचान भी ना पाए। ओह कैसी बहकी बहकी सोच आ रही है मन में, लेकिन अब क्या करूं। चारों तरफ नजर रख के मुझे आगे बढ़ते रहना है। कोई भी हैवान मिला उसका शिकार करूंगा। मेरी बाइबल ही मुझे राह दिखाएगी। आज जो भी मुझे गलत दिखेगा मैं उसका शिकार करूंगा। ओहो मैं तो अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूं। मैं पहले एक बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन था। जब मैं छोटा था तो मुझे इलेक्ट्रिक से खेलने का बहुत शौक था। मेरी यही आदत मेरे डैड को पागल कर देती थी, पर मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स, कंपोनेंट्स, इन सब में बहुत अच्छा था। मैं हर सर्किट को जोड़ देता था। आज भी वही करूंगा खुद को बचाने के लिए, लेकिन समझदारी से। एक सीबी रेडियो बनाना होगा जिससे उनकी लोकेशन पता चले। हर बार ऐसी ही बात करूंगा इस उम्मीद से कि कोई सुने। तुम मुझे सुन सकती हो? लगता है मुझे और पावर की जरूरत पड़ेगी मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए। मुझे पता है यह सब कैसे होगा। अगर मैं यहां बंदी बना लिया गया तो भी मेरी आवाज कभी बंद नहीं होगी। अगर तुम लोग यहीं कहीं हो तो आओ, आकर मुझे ढूंढ लो प्लीज। मैं कोई हीरो नहीं हूं और ना ही कभी था। अगर कोई मुझे पंच मारता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता हूं। मैंने कुछ लोगों को दिखाए जो वाकई में हीरो होते हैं। मैंने एक आदमी और औरत को दिखाए जो लोगों को बचाना चाहते थे, और मैंने उन्हें मिटते हुए देखा है, खत्म होते हुए देखा है। और मैं अब भागूंगा, यहां से भागूंगा। वो चाहते हैं कि मैं उसके साथ आऊं, पर मैं नहीं आया, आऊंगा भी नहीं। मैं डर रहा था कि मुझे यहां कौन मिलेगा। अगर मुझे हीरो बनना है तो हमें साथ आना होगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही हीरो था तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती, कभी नहीं जाती। अब वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। यहां पूरी दुनिया बाहर आ गई है और मैं बहुत डर रहा हूं, जीने से भी डर रहा हूं, मरने से भी डर रहा हूं। तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं ढूंढते हो? नहीं, मैंने इमरजेंसी लाइन से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने मैसेज छोड़ दिया है। क्या तुम परेशान हो? क्या मैं वैसा दिख रहा हूं? नहीं, तुम शांत दिख रहे हो हमेशा की तरह। लेकिन मैं परेशान हूं।
मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं और तुम्हें यह पता है अच्छी तरह से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार को देख रहे हो, हालांकि मुझे अंदेशा है वो लोग सुरक्षित हैं। चलो वाइन पीते हैं और इसे आसान बनाते हैं। देखो मैं उन तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन तुम तो हर जगह हो ना, और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। और बेथ का परिवार उसका अपने परिवार से कॉन्टेक्ट टूट चुका है। अब मुझे लग रहा है कि और बुरा कुछ होने वाला है। वो मेरी सब कुछ है, तुम उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना। में जाए ऐसी जिंदगी, वो बस एक सपना था। पर तुम यहाँ आ ही गई। स्कॉट, मैं तो हमेशा यहीं थी, पर तुम कहाँ थे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। लगभग ये स्कॉट मिलर शो का आखिरी दिन चल रहा है। क्या वहाँ कोई है जो ये शो देख रहा है? आज का सब्जेक्ट था सर्वनाश और असल मायने में उसका मतलब क्या है। अब मुझे खाना मिल गया है, मुझे पानी मिल गया है, कार्ड की एक गड्डी मिली है और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही। तो अगर आपको एंजॉय करना है तो मुझे कॉल कीजिए। स्कॉट मिलर 555 सर्वाइवर, मुझे कॉल करो और पूछो कि छुट्टी पर शैतान कहाँ जाते हैं। सीरियसली, अभी कोई और बाहर है क्या? कोई भी? हेलो, प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। सब खत्म। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पर ये ऐसे ही होता है। तुम्हें लगता है कि यहाँ आने का आइडिया अच्छा था? हाँ बेशक, हम वहां से मीलों दूर हैं। ये जगह सेफ है, हम यहीं रहेंगे। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी भी बहुत शुद्ध है। हम सच में यहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे। देखो यहाँ कार्ड्स की गड्डी भी है, यहीं रहकर हम अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ये लो। ये लो, मेरी वाली का टेस्ट बेटर है। नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं अगली बार यही वाली लूंगा। तुमने कहा अगली बार। यहाँ कितनी ठंड है। हाँ, ठंडी का मौसम जो है, ये सब चीजें हमें ठंड पहुंचाएगी। हाँ मुझे भी यही लगता है, इस ठंडी में उनके मांस और हड्डियां जम जाएंगी। वो कम ही नहीं इस ठंड में जम जाएं। हाँ बिल्कुल जम जाएंगे, भरोसा रखना। मैं लंदन जाने की सोच रही थी। ये सेफ नहीं होगा, मेरी फैमिली। अब ये सेफ नहीं है बेत, साउथ में सिचुएशन और बदतर है, सारे शहर खतरनाक हो चुके हैं। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती स्कॉट, मैं यहाँ ऐसे दिन नहीं बिता सकती। मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, अब हम साथ हैं, हमें खुद को सेफ रखना है ना? विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
स्कॉट, स्कॉट, क्या वहाँ कोई है? मुझे देखने दो। हेलो स्कॉट, वहाँ कोई है? मुझे अंदर आने दो प्लीज। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ होगे। मैं इंतजार कर रहा था। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाता हूँ। नहीं, मुझे भी ले चलो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देता हूँ। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ होगे। काफी वक्त बीत गया है। अच्छा, यहाँ रह के बाहर के वक्त का कुछ पता नहीं चलता। जरूरी यह है कि बुरा वक्त टल जाए, अच्छा वक्त आए। सॉरी, मेरे सारे टी बैग्स खत्म हो चुके हैं। सॉरी। इट्स ओके, पानी से ही चल जाएगा। मेरे पास एक और चीज है, वाइन। मैंने इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी। मुझे पता था कुछ बुरा होगा। कोई बात नहीं, हमारे पास आज का पूरा दिन है। हम आज इस वाइन को खोलेंगे और जैसा हो रहा है उसे एंजॉय करेंगे। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था तुम वापस आ जाओगी। पर मुझे लगता है मैं ऐसे नहीं खोल सकता। मैं चाहता हूं, पर मुझे पता है इसका साउंड एकदम बकवास होगा। पर मैं ये कहने से डर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। इसीलिए लगता है तुम मुझे बचाने आई हो, मेरे पास आई हो। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लंदन में क्या हुआ? क्या तुम्हें वो लोग मिल गए? क्या हम और कुछ बात कर सकते हैं? क्या तुम कुछ मजे करना चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में फिलहाल क्या है? देखो, ये तीन बटन्स रख रहा हूं, देखते हैं कौन पहले बोतल खाली करता है। दिखाओ। मुझे जीतते हुए देखना चाहती हो? हमें वेगस जाना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए। इस ठंड में तो तुम और भी कूल लग रहे हो। हमें वेगस जाना चाहिए और वहाँ न्यूड बीच पर हम स्कॉट, क्या तुम मुझे संभाल सकते हो?
काफी वक्त बीत गया है और मैं सेफ हूं। तो इसे खींचो, पकड़ो इसे, जोर से पकड़ो, हाथों पर जोर डालो, नीचे एरो को देखो, अब इसे उड़ाने के लिए रेडी हो जाओ। धनुष और तीर सब लंदन में मौजूद है ना? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ गन्स और बुलेट के साथ उनसे पीछे हो। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। क्या हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं? बिल्कुल, मैं सीबी रेडियो पर एक बूढ़े कपल से बात करता हूं, जॉर्ज और बारबारा। हम रोज रात को चैट करते हैं। अब बातें मत करना। नहीं, वो तकलीफ में है, वो बाहर निकल नहीं सकते। मेरे सवाल का सही जवाब देना, तुम्हें हुआ क्या है? लंदन में क्या हुआ? बुरा, बहुत ही बुरा और बकवास। मैंने सोचा था वहां मुश्किल होगा, पर मैं गलत थी। वहां पर हर जगह वॉर जोन बनी हुई है, हर जगह खतरा है। तुम्हारे मॉम डैड का क्या, क्या तुम उनसे मिली? हाँ, लगभग। वो एक घर में छुपे हैं, वो वहां सुरक्षित हैं, पर मेरी बहन, वो भी ठीक है। अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो मत करो। नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी अपनी बहन के बारे में। वो बाहर नहीं आ सकी, वो पहले दिन ही मर गई थी। उसने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, पर कोई नहीं। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने गई। वहां आर्मी कैंप ने हमारी काफी मदद की, वहां सुरक्षा के साथ सारी फैसिलिटीज भी मिली। हम में आशा जग गई। धीरे धीरे सब खत्म होने लगा, सभी पागल हो गए थे। वहां हम सभी लोग अंदर थे और सारे हैवान बाहर थे। किसी तरह हमें वहां से निकलना था। ए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा जज्बाती हो गई थी। मुझे लगता है मुझे लेटना चाहिए। आ,
तुम्हारे पास थोड़ा और पानी है? बहुत प्यास लगी थी। मैप का क्या हुआ? उसी जगह पर हमें जाना है, वहीं हमें काम की चीजें मिलेगी, वही हमारी मंजिल है। तुम यहां ज्यादा देर रुकने वाले हो? हमें यहां से चलना चाहिए। मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्या तुमने सच में मेरा लेटर नहीं पढ़ा था? बेट, उस वक्त मैं अलविदा नहीं कहना चाहता था, पर तुम्हें कहना चाहिए। सॉरी, ये लंदन में ही हो गया था। I love you. मैं अकेले नहीं मरना चाहती थी। जिन्हें मैं जानती थी सब मर गए। मैं यहां बस तुम्हारे लिए आई थी। ये कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या अभी भी तुम्हारे पास वो रिंग है? साथ जीवन के अंत तक रहना चाहता हूं बेथ। तुम्हारे साथ मैं हर रोज सनसेट देखना चाहता हूं और सनराइज देखना चाहता हूं। खुशी में भी तुम हो, गम में भी तुम ही हो। हम अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, हम पेट्स भी रखेंगे। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश देखना चाहता हूं। बेथ, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे लगा अब तुम कभी नहीं कहोगे। तीसरी बार मैं लकी रहा। हाँ, तीसरी बार।
ठीक हो? नीचे बैठे रहो, नीचे बैठे रहो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे ये बताओ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं सुन रहा हूं। मैं मैक्स हूं और ये लॉली है। hey. लॉली का बैग चेक करो। वो मेरी बैग है। यहाँ की हर चीज अब हमारी है। ये बैग, तुम्हारी गन, तुम्हारी हर एक चीज अब सिर्फ हमारी है। और तुम्हें अगर ये सारी चीजें वापस चाहिए तो अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो हाँ मैं सर हिलाओ, वरना तुम्हारी जुबान मैं खींच लूंगा। हाँ मैं समझ गया। गुड बॉय। लॉली, तुम्हें कुछ मिला क्या? जिग्सॉ, प्लेइंग कार्ड्स, पानी, बीन्स। शिट, इस आदमी को बीन्स पसंद है। ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ काम का मिला कि नहीं? स्कॉट के नाम का एक लेटर है और फोटो। इसमें दो लोगों की फोटो है। इसके पास जो भी है बकवास है। स्कॉटी बॉय, तुम्हारे पास और भी कुछ है? बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ओके, वाह, क्या बात है। क्या वो हॉट है? मैक्स, सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि वो तुमसे मिलने यहाँ आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? हे, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगी। कसम से तुम्हें ठोक दूंगी। बहुत बढ़िया लॉली। थैंक यू मैक्स। स्कॉट, अब मैं तुम्हें खोलने जा रही हूं। मैं ऐसा करूं इससे पहले बताओ कि तुम पर कोई अटैक या किसी ने तुम्हें काटा है या नहीं। क्या तुम सेफ हो? हाँ मैं सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
ओके, तुम चाहो तो बोल दो इसे। तुम अपना सारा बकवास सामान ले सकते हो, हमें पानी मिल गया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं ये प्लेइंग कार्ड रख लेता हूँ, हमारे खेलने के काम आएंगे। हम ये प्लेइंग कार्ड्स रख रहे हैं, हम सड़क पर इससे खेल सकते हैं। तुम दोनों के कपड़े और नकाब, तुम दोनों काउबॉयज हो या कुछ और? कल तक हम साइंटिस्ट थे और आज हम पूरे आदमी बन गए, तुम्हें इससे क्या? शुक्रिया। ये कुछ खास नहीं है, यहाँ जो भी कुछ बचा है सब तुम्हारा है। तुम कुछ ज्यादा ही दया दिखा रही हो इस पर। कभी कभी करना पड़ता है। हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ रहे हैं क्योंकि लॉली ने कह दिया इसलिए। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अब तुम सब कुछ रख सकते हो, समझे? अब ये बताओ, मेरे साथ ये कार्ड कौन कौन खेलेगा? मैंने कल रात तुम्हें सुना था सीबी से बात करते हुए। क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढते हुए आए हो? हाँ, उस समय जब बेथ की मौत हुई थी। माफी चाहता हूँ मैक्स, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कि सब मर गए, मैं कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम किसी के बाप हो जिसने तुम्हें निकाल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच में हम वो नहीं है, ये मेरा रक्षक है। क्यों डार्लिंग? मुझे डार्लिंग मत बोलो, खास तौर से किसी अजनबी के सामने। ये शर्मा रहा है। स्कॉट, तुम कहाँ रहते हो? नॉर्थ। बकवास नॉर्थ, इसमें हंसने की क्या बात है? नॉर्थ बर्बाद हो चुका है। हम वहीं से आए हैं, वहां सब खत्म हो गया है। साउथ भी बर्बाद होने ऐसा नहीं है। साउथ कोस्ट के पास एक जगह है, डोवर से ज्यादा दूर भी नहीं। क्या मैं उसे बताऊं? क्या बताना चाहती हूं? हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हम इसे जानते नहीं है लॉली, तुम्हें पता है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सोने का वक्त हो गया है, बेड पर जाओ और सो। अभी जाओ। नहीं, अब तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हारे पास कल पूरा दिन पड़ा है और मुझे अभी स्कॉट से बात भी करनी है। मैं घबरा नहीं रही। मैंने कहा कि तुम बेड पर जाओ, जाके अपनी वायलिन बजाओ। तुम मेरे बाप नहीं हो। इतना सब होने के बावजूद ये बच्ची की बच्ची ही रह गई। तुम पियोगे? हाँ, थोड़ा पानी ठीक रहेगा। पानी नहीं, मैंने कहा कि तुम पियोगे। मैं उसे हर रात खेलने देता हूं, उसके लिए काफी नहीं है। अलग समय, अलग अलग लोग, वो अच्छी होती जा रही है। हाँ, मैं इसे ही हमेशा से मिस करता हूँ। टीवी मूवीज के बिना फिर भी चल जाता है, पर म्यूजिक के बिना नहीं चलता है। माफ करना, बर्फ नहीं है। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, थोड़ी और होती तो अच्छा रहता। तो वो तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं। तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद करती है? सिर्फ एक बाप की तरह, वो मुझे किसी और नजर से नहीं देखती है। तुम दोनों यहां एक साथ कैसे आए? तुमने किसी की जान बचाई है कभी? नहीं। तुम्हें कभी हीरो बनने का चांस मिला है? मैं कोई हीरो नहीं हूं। इससे अच्छी फीलिंग और कोई नहीं। तुम अपनी जिंदगी में एक बार ट्राई करना। क्या तुम उसे बचा पाए? दुनिया में मुसीबत आने से पहले मैं एक फार्मासिस्ट था, एक घर था, पत्नी थी, एक बेटा था, एक छोटी बेटी थी। जब दुनिया पर प्रकोप आया तो मैं सभी को बचाने में लग गया और उस प्रकोप से बचने की दवाइयां भी ढूंढने लगा। ऐसा लगा कि हम जीत गए थे,
लगा कि हमने कर दिखाया। जैसे ही हम वहां पहुंचे बैरिकेड्स खत्म हो गए थे और हमें परीक्षण के लिए वो जगह छोड़नी पड़ी। मेरे बीवी बच्चे उस वक्त शेल्टर में थे। तुमने कभी महसूस किया कि तुम कुछ करना चाहते हो मगर कुछ नहीं कर पा रहे हो? उस हालत में तुम कितनी भी मेहनत कर लो मगर तुम बेबस हो जाते हो। मैं बेबस खड़ा होकर सिर्फ देखता रहा। उस बेबसी ने मुझे मार दिया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तब समझ में आया कि मैं कुछ नहीं कर सकता था और तब मैंने वचन लिया कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। लॉरी के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ हैवानों का झुंड देखा और उन्हें रोक दिया। वो भेड़िए खून के प्यासे थे, वो विनाश चाहते थे और इसीलिए वो आगे बढ़ रहे थे। तब मैंने देखा कि एक परिवार बहुत परेशानी में था और उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उनकी चीखने की आवाजें सुनाई दी, फिर गोली चलने की। मुझे लगा कि मैंने देर कर दी है और उन लोगों में सब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। और तभी टॉप फ्लोर की एक खिड़की खुली और उससे एक बच्चा कूदा। वो बच्चा खिड़की से कूद गया अपनी फुटबॉल उठाने के लिए। ऊंचाई ज्यादा थी, मुझे लगा कि इतनी ऊंचाई से कूद कर वो बच्चा तो मर गया होगा, लेकिन वो जिंदा था। उन हैवानों ने फिर उस बच्ची को घेर लिया। वो उस बच्ची को खत्म करने वाले थे, लेकिन मैं उन पर टूट पड़ा। मैंने उन पर गोलियां चलाई और उन्हें रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया। मैंने उस बच्ची को बचाया और अपने साथ ले आया। वो बच्ची लॉली थी। मैं उसकी जान बचा पाया। वो मेरे लिए बहुत खास है। मैं ही उसका रक्षक हूं। तुम शराब नहीं पी रहे हो? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ये शराब का कमाल है मेरे दोस्त। उसे नुकसान पहुंचाया? वो सो रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं नशे में हूँ? मुझे पसंद नहीं है तुम मुझे बच्ची समझते हो। तुम एक बच्ची ही। मैं 16 की हूँ। फिर भी तुम बच्ची हो। मेरी बात सुनो, ये दुनिया बहुत खतरनाक हो चुकी है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर अब चीजें और पूरी होती जा रही हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए कोई है, तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए। लॉली तुम बहुत खास हो। देखो, तुम ऐसी इंसान हो जो मौत के मुंह से बचकर बाहर आई हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तुम्हें बहादुर बनना होगा। लॉली, ये अच्छा नहीं है। मुझे प्रॉमिस करो तुम बहादुर बनोगी। हम उनसे बच नहीं सकते, हमें जगह बदलनी होगी। लॉली, एक बार हमें फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। ये सफर थोड़ा लंबा है। चलो सो जाओ। मैक्स, क्या हम उसके उठने तक रुक नहीं सकते? नहीं, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हमें तुरंत निकलना होगा। लॉली, चलो जल्दी चलो, हमें बोट पर जाने के लिए देर हो रही है। क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं होगा लॉली, मैं अकेली रह जाऊंगी। सुनो, हमें बैकअप की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? शिट, लगता है वो लोग यहाँ आ गए। चलो, इसका क्या करना है? टाइम नहीं है लॉली। सॉरी स्कॉट। खिड़की की तरफ जाओ, उनके सर पर वार करो और दूर रहना उनसे। कम ऑन,
खिड़की की तरफ फायर करो। खिड़की की तरफ जाओ, फायरिंग करते रहो। दरवाजे की तरफ मेरी मदद करो। नहीं, लॉली लॉली लॉली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लॉली, तुम्हारे पास गन है, उसका यूज करो। लॉली, मैं ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक सकता। सीढ़ियों पर जाओ। सीढ़ियों पर जाओ, ऊपर जाओ। जा, ओ। हम तो गए काम से। वो मुझे नहीं पकड़ सकते। मेरे पास काफी गोलियां हैं, हम दोनों के लिए ही काफी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे फ्रांस जाना है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा? चाहे वो मेरे टुकड़े टुकड़े ही कर दें, पर इस वायरस का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे बाहर जाने दे सकते हो। कैसे, हम फंस चुके हैं, वो बहुत यहां सारे हैं। हमें कुछ अलग करना होगा। विस्फोटक कहां है? विस्फोटक अलमीरा को चेक करो। मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया जॉर्ज। नीचे झुको जल्दी। इसी वक्त बाहर निकलते हैं। बाहर जाने का यही एक सुरक्षित रास्ता है। तुम तैयार हो? 1 2 3 कूदो। जॉर्ज के हथियारों, मेरी तरफ से आखिरी किस। तुम्हारा हाथ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थोड़ा बेहतर है। उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब हम दोनों के एक साथ रहना है। तुमने मुझे बचाया और शायद सभी को। मरने से बेहतर है हमारी धड़कनें चलती रहें।